हेलो दोस्तों, मैं हूँ आरुही और आज की वीडियो में मैं बताऊंगी कि डिफरेंट कलर यानी कि वीर के अलग अलग रंग होने की वजह क्या होती है और किन कारणों से ये होता है और उसके बारे में पूरी जानकारी कि किस कलर का जो स्पर्म है वो बेस्ट होता है अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में। सबसे नॉर्मल कलर जो होता है वो है वाइटिस। वाइटिस यानी कि वाइट कलर का सफ़ेद रंग का। सफ़ेद रंग यानी कि पानी से हल्का गाढ़ा जो रंग होता है वो सबसे नॉर्मल होता है और यही स्पर्म आपकी हेल्दी हेल्थ के बारे में बताता है, यानी कि आपका जो स्वास्थ्य है वो बिल्कुल ही सही है। नेक्स्ट जो है वो पिंकिश कलर का। कई बार पिंकिश और हल्के रेडनेस भूरे रंग का स्पर्म भी देखा गया है। इसका कारण क्या होता है? कई बार कई वजहों से, चाहे वो इन्फेक्शन हो या कोई और भी वजह, जिसकी वजह से सेमिनल वेसिकल्स में ब्लड आ जाते हैं, यानी वो नलियाँ, सेमिनल वेसिकल्स वो नलियाँ होती हैं जिनमें प्रोडक्शन होता है स्पर्म का, जो कि आपके प्रोस्टेट ग्लैंड के पीछे पाए जाते हैं और इन्हीं में प्रोडक्शन होता है स्पर्म का। तो कई बार वो जो नलिकाएँ हैं, वेसिकल्स हैं, उनमें ब्लड आ जाने की वजह से, सूजन आ जाने की वजह से वो फट जाती हैं और उनके बारे में पता तब चलता है कि जब स्पर्म में है रेडनेस टाइप का कुछ रेडनेस आ जाती है। कई बार इसे लोग इग्नोर भी कर देते हैं, पर इसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है येलो। येलो कलर यानी कि हल्के पीले रंग का कारण क्या होता है? कई बार स्पर्म इस कलर का होने की वजह भी होती है वो WBC वाइट ब्लड सेल्स का बढ़ जाना या फिर हो जाती है कि यूरिन आ जाना आपके स्पर्म में। ये चीज़ें होती है, कई बार इन्फेक्शन की भी वजह से ऐसा देखा जाता है। तो दोस्तों, कैसे लगी ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो? प्लीज़ लाइक करना एंड थैंक यू।